अभी मैं हूँ सोनातू प्रखंड के पानडाड़ी गांव में, और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक सरकारी संगीत भवन है। यहाँ बच्चों को संगीत सिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पर अभी संगीत नहीं सिखाया जाता है। एक यहाँ पर एक परिवार रहते हैं, हमें किसी ने कॉल करके बताया कि एक सरकारी भवन में पानडाड़ी का एक गरीब आदमी पिछले 4-5 साल से इस घर में रहते हैं। तो हमने जब यहाँ का निरीक्षण किया तो मालूम चला कि उस परिवार का घर 4-5 साल पहले गिर जाने के कारण वो परिवार उस संगीत भवन में रहते हैं, सरकारी मकान पे रहते हैं। तो आप घर इस देख सकते हैं कि यहाँ जबकि छत लगना चाहिए तो छत ना ला के यहाँ तो पेड़ उग रहे हैं, जबकि यहाँ छत लग के यहाँ कंप्लीट होना चाहिए था, उन्हें नहीं होके यहाँ पे देखिए बहुत तरह के किस्म के यहाँ पे पौधे उगे हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि संगीत भवन पे किस हालत में वो परिवार जो है रहने के लिए मजबूर है। आप देखिए यहीं पर ये संगीत भवन है जिसमें पढ़ने बच्चे लोगों को संगीत सिखाया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर संगीत नहीं सिखा के एक जो परिवार है वो यहाँ पे रहते हैं। आप इसका हाल देख सकते हैं कि इस तरह से रहते हैं। क्या कुछ कारण है कि आप इस सरकारी भवन में रहने को मजबूर हैं? घर मेरा झोपड़ी धस गया। अच्छा, ये घर आपका था? ये घर मेरा था। अच्छा, ये घर आपका कब धसा? बरसात में 1919 में धस गया। 2019 में धसा। इसके बाद यहाँ पर हम सरकारी आवास में गिरा दिए। अच्छा, पर यहीं पर हम रहते हैं। हमारा वाइफ भी थी जो डेथ कर गई है 19 को ही। उसके बाद हमारा बाप बेटा यहीं पर बाहर में काम करता था, दुकान वकान में। अभी घर में फिलहाल घर में है। तो जब आपका ये घर धस गया, गिर गया आपका ये घर, तो आप आवास के लिए अप्लाई नहीं किए थे? फॉर्म नहीं भरे थे पीएम आवास के लिए? किए थे, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कुछ सुनवाई नहीं? अच्छा, कार्ड के लिए भी अप्लाई किए थे तो बता दे 1500 रुपया लगेगा। हम बोले ऑनलाइन मिलेगा, हमको जरूरत नहीं। कौन बोला आपको कि 1500 रुपया लगेगा? ऐसे सुने, सबको बनाया है इसीलिए बोलने। अच्छा, नहीं, आपको 1500 रुपया देने से आपको कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड ऑनलाइन में बन जाता है, ऐसा आप सुने हैं? ऐसा हमारा पैसा नहीं है, हम पैसा से नहीं बनाएंगे, बने चाहे नहीं बने, हम भी बाग गई खाएंगे। तो आपका जब ये घर गिर गया तो आप इसके लिए एप्लीकेशन किए थे कि आपको भी पीएम आवास मिलना चाहिए इसके लिए, आप जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र के? हाँ, उसके लिए हम किए थे, आवास पीएम आवास हमको मिलना चाहिए, सबका मिल रहा है, हमको काहे नहीं मिल रहा। तो आपका यहाँ ये फोटो खींच के आपको ले गया था ब्लॉक वाला? हाँ, ले गए थे। और जियो टैग भी हुआ था? तब सुन सकते हैं कि जियो टैग और या इसका फोटो खींच के भी ले गए हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम में कहाँ गड़बड़ है। लेकिन वो आदमी आ रहे हैं के सिवाय और कुछ नहीं बोला गया। तो आप समझ सकते हैं कि सोनातू में क्या लेक्चर व्यवस्था है, जो सरकारी तंत्र है। तो ये तंत्र अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ये पूरे सारे जनताओं के बीच में प्रमुख विक्टोरिया देवी जैसे एक महिला है और सविता देवी जैसे उप प्रमुख महिला है, साथ में 15 पंचायत समिति जो कि हमेशा तत्पर रहेंगे गांव का अंतिम व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए। तो आप लोग इस बार क्या कुछ सोचे हैं कि जो लचर व्यवस्था उसको सुधारने के लिए? देखिए, आज अगर हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, इसका खासा मतलब यही होता है। अभी अगर आप बारिश में आप लोगों के बीच में 2-3 घंटा इंतजार करने के बाद अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। यदि आज आवास प्लस में नाम नहीं है तो आप अंबेडकर आवास से नाम जोड़िए। आज वैसा बहुत सारे आदमी है, जैसे गलाव में देखा गया, वहाँ भी सरकारी आवास में रह रहे हैं। हमारे इस पंचायत में भी, हर पंचायत में आपको मिलेगा, जहाँ पे एक रूम है वहीं पे आदमी भी रह रहा है, वहीं पे भेड़ बकरी भी रह रहा है। एक हम आपका गलो पंचायत में ही देखने को मिला, सिगित आपका तेलवाड़ी पंचायत में है, वो विकलांग है, पूरे आँख से, दोनों आँख से अंधा है, और उनको आवास नहीं मिल रहा है। तो ये व्यवस्था जो है ये अब नहीं चलने वाला है। पिछला 5 साल क्या हुआ इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हम पिछले बार में पंचायत समिति रहे हैं, एक प्रयास रहा जो कि नहीं कर पाए, लेकिन अब हमारा प्रमुख के साथ पूरा टीम है और हम विभागीय पदाधिकारी से कहेंगे जो व्यवस्था पहले था उस व्यवस्था को आप चेंज किया न था, हम लोग आगे कुछ करेंगे। हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, बस हमारा ये मकसद है और बस हम इसलिए आज यहाँ पर आए हुए हैं कि इस गरीब फैमिली का घर किसी तरह से पास हो जाए और इसको पीएम आवास मिल जाए। आप सोनातू प्रखंड के उप प्रमुख हैं और इस गांव पानडाड़ी गांव के भी आज यहीं के निवासी हैं। तो क्या हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बार कि आपके गरीब फैमिली को पीएम आवास इसको हो जाएगा?
देखिए पहले 5 साल जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अभी जिसको जिसको नहीं मिला है, मतलब मैं तो इतना बोलूँगी कि हम लोग का प्रखंड प्रखंड का अंतिम व्यक्ति मतलब जो जीरो है उसी को आवास मिले, पीएम आवास। तो हम सभी इस गांव के जनता भी और ये गरीब फैमिली भी अपेक्षा करेंगे कि इस बार इसका आवास हो जाए। हम लोग इस बार पूरा प्रयास करेंगे कि गरीब से गरीब व्यक्ति जिसका घर खींच के भी ले गए हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है कि इसको आवास नहीं मिला और ये भी मजबूर हैं कि यहाँ पे सरकारी भवन में रहने के लिए मजबूर हैं। ये इनसे जानते हैं कि इसके जीवन यापन कैसे होता है, क्या करते हैं आप? हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, इधर उधर चलाते हैं। किसी तरह कोई लड़का प्राइवेट में काम करता है, 2-4 पैसे लाता है, उसी से आप लोग का परिवार रोजी चलता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सोनातू प्रखंड में क्या चल रहा है। अगर आपको घर लेना है, मतलब मैं दावे के साथ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अनुमान से बोल सकता हूं कि अगर आपको घर लेना है तो पहले आप पैसा दीजिए 10,000, तो आपका घर मतलब इन स्थिति में नहीं रहता। अगर इस गरीब आदमी के पास अगर पैसा रहता तो आज इसका घर बन के तैयार होता, ही सरकारी भवन में नहीं रहते। अब सिस्टम में कहां पर गलती है, या किसकी गलती है, या जनप्रतिनिधि की गलती है, या बोलोग स्टाफ की गलती है, या कहां पे चुकी, ये तो जांच के विषय है। जांच होने के बाद ही मालूम चलेगा कि इसको किस कारण से घर नहीं मिल पाया। हमारे साथ पूर्व पंचायत समिति है निशिकांत जी, और ये भी सोनातू प्रखंड के उप प्रमुख के हस्बैंड भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। निशिकांत जी, आपके कार्यकाल में ही ये इसका मतलब आवास प्लस में नाम चढ़ा है, तो क्या कुछ कारण हुआ या कहाँ गलती हुई है सिस्टम में, कहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ कि इसका आवास नहीं मिला? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सनत बनर्जी वाकई गरीब हैं, और गांव में भिक्षाटन पूजा पाठ में भी ऐसा स्थिति नहीं रहा है, भिक्षाटन करके इनका जीविका चलता है। और हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे इनका वाइफ भी देहांत हो गया तो उसमें भी हम लोग सहयोग करके इनको ये किए, लेकिन इसका जो आवास प्लस में नाम चढ़ने के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए जब जो प्रोसेस चला, सारा प्रोसेस यहाँ से कर दिया गया था। और इनका ही नहीं, ऐसा बहुत सारे गरीब लोगों का है जो कि सारा प्रक्रिया है। तो मेरा कहना है कि भाई आप जिनको आवास दे रहे हो, पहले जिसका जीरो का स्थिति है उसको पहले आवास दीजिए, जिसका एक रूम है उसको उसके बाद दीजिए, न कि आप जहाँ मतलब 2-3 रूम है उनको दीजिएगा। यहाँ वही स्थिति है जो आप समझ रहे हैं यहाँ का स्थिति, और ये लच्चर व्यवस्था है। तो ये कहीं ना कहीं विभागीय त्रुटि है, और इस खामिया को अब कम से कम हमारा प्रमुख का टीम इसको लग के इसको सुधार कराया जाएगा। और आज सबसे बड़ी दुखद बात है कि प्रमुख उप प्रमुख मैडम यहाँ 3 घंटा से बैठी हुई हैं, जो प्रखंड के एक पदाधिकारी हैं, जो कि आवास प्लस का यहाँ का संयोजक है, पर्यवेक्षक है। कौन है ये? राजीव कुमार है, राजीव कुमार, जो पूरे प्रखंड का प्रधानमंत्री आवास का देखने का उनको दायित्व विभाग से मिला गया है। उनको यहाँ बुलाया गया था 3 घंटे।